ओडिशा रेल दुर्घटना के बाद बालासोर के अस्पताल घायलों से खचाखच भरे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि मृतकों के शवों को भी जगह मिल पाना मुश्किल है। अस्पतालों में घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जितनी मृत्यु हुई है उनमें से 160 शवों को भुवनेश्वर के एम्स लाया गया है। एम्स में सबसे बड़ा सेंटर है जहां करीब 100 शवों को रखा जा सकता है और अन्य शवों को अन्य अस्पतालों में रखा जाएगा। जिनका भी डेथ हुआ है उसमें से अराउंड 160 लोगों का मॉर्टल रिमेंस को भुवनेश्वर लाया जा रहा है और जितने भी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं सब जगह मॉर्चुरीज में उनको प्रिजर्व करा जा रहा है सो देट कि उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो लोग इधर कन्वीनियंटली बिकॉज कैपिटल सिटी है तो कन्वीनियंटली वो लोग पहुँच पाएंगे और यहाँ पर हम लोग सब उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर सब प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही मृतकों के शवों की तस्वीर लेकर एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिससे शवों के परिचित लोग हेल्प डेस्क पर फोटो देखकर पता लगा सकें कि उनको कौन से अस्पताल जाना है। एम्स में सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया है, अराउंड 100 के आसपास मोटल रिमेन्स यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा। उसके अलावा कैपिटल हॉस्पिटल, सम हॉस्पिटल, हाईटेक और अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिफरेंट नंबर्स में जितना जिसका मोर्चुरी का कैपेसिटी है उस हिसाब से प्रिजर्व किया जाएगा। सर, जो लोग जो रिश्तेदार आएंगे वो किसको कॉन्टैक्ट करेंगे और कैसा यहाँ पर पहुँच पाएंगे? देखिए, सबका जितना भी यहाँ पर मोर्टल रिमेन्स ला रहे हैं सबको उनका फोटो आइडेंटिफिकेशन फोटो लिया जा रहा है और वो फोटो का पूरा डेटाबेस बना के जो भी लोग आएंगे हमारा हेल्प डेस्क है और सबको डिटेल्स शेयर किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस को रखा गया है वो लोग फोटो देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रिस्पेक्टिव जगह को जो भी हॉस्पिटल में है उस जगह पहुँच पाएंगे। वर्तमान हालत में बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर 100 से अधिक लोगों द्वारा ट्रैक को ठीक करने का कार्य चल रहा है और थोड़ी देर में ट्रैक को साफ भी कर दिया जाएगा। देखिए, अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। दो तीन जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से दो हट गया, एक हटा रहा है, उसका जो डेब्रीज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहां से देख रहे हैं कि कवर कार काम कर रहा है, जो कि ओएचई का जो डैमेज हुआ है उसको पैरेलल ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर होगा उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जी कुछ टारगेट नहीं दे सकते लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। देखिए अभी इसमें आप देख रहे हो कि जो टीआरडी के मास्ट हैं वो भी टूट गए हैं, ठीक है, वो उखड़ के गिर गए हैं तो उसके लिए टेम्पररी मास्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम मतलब आगे पीछे होता रहेगा तो टेंटेटिव अभी नहीं दे पाएंगे लेकिन लगी हुई है टीम। जितना जल्दी यथाशीघ्र हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, हम लोग 4-5 डिविजन्स की टीम, 2-3 जोन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। सीआरबी साहब, जीएम, सब लोग यहाँ पे साइट पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। ऑल द पीएचओडीज, रेलवे बोर्ड से अधिकारी सब लोग यहाँ पे साइट पे कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। तो जितना जल्दी होगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होगा ये। बता दें कि ओडिशा के बालासोर जिले में कल भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसा बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। यहां कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।